हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको सभी की फेवरेट ढोकला की रेसिपी। इसको बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सारी बातें, सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। इसकी सामग्री आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप बेसन। बेसन आपको छानना ज़रूरी है, उससे बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। मैंने यहाँ पे महीन वाला बेसन लिया है। उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच सूजी डाला है। सूजी डालने से बढ़िया टेक्सचर आता है। अब हमको ध्यान यही रखना है कि अगर हमने 2 कप बेसन लिया है तो हम ज़्यादातर चीज़ें 2 बड़े चम्मच डालेंगे। 2 कप बेसन के हिसाब से 2 चम्मच, नहीं तो 1 कप बेसन है तो 1 बड़े चम्मच। देखिए ये गुठलियाँ सारी छानने से निकल जाएंगी। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही। 3 बड़े चम्मच मैं इसलिए डाल रही हूँ जिससे इसमें ज़्यादा खटास आएगी। अगर आप इतना खट्टा नहीं पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच डालिए। अब इसमें स्वाद अनुसार आप शक्कर डालिए। मैंने 1.25 चम्मच शक्कर डाली है। नमक भी आप स्वाद अनुसार डालिए। नमक मैंने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। देखिए 2 कप बेसन था तो मैंने 2 कप ही तेल डाला है। नमक, शक्कर और दही आपको अपने हिसाब से डालना है। अब 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हल्दी का हमें ध्यान रखना है, हमें हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो वो सोडा या इनो से रिएक्ट कर जाता है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। टोटल 1 कप आपको पानी डालना है और इसको बहुत फाइन पेस्ट बना देना है। अब देखिए धीरे धीरे मैं वही पानी मिलाती रहूँगी और बढ़िया हमें एकदम ऐसा कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें मैं 1 चम्मच जिंजर और चिली का पेस्ट डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, बट इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको आपको आधा घंटा ढक के रख देना है। अब हम 1 कढ़ाई गैस पे चढ़ाएंगे मीडियम फ्लेम पे और 2 ग्लास पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट। तब तक हम 1 केक टिन लेंगे। आप चाहें तो 1 प्लेट ले लीजिए, थोड़ा सा उथली हुई प्लेट लेनी है, बहुत छोटा बर्तन मत लीजिएगा। इसमें अच्छे से तेल लगा लेना है। आधे घंटे हो चुके हैं, अब हम अपना बैटर देखते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी हमको बिल्कुल सही लग रही है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाएंगे। आप चाहें तो इनो फ्रूट सॉल्ट मिलाइए। बेकिंग पाउडर आपको 1 टीस्पून डालना है। ये देखिए मेरे पास 1/2 टीस्पून है, तो टोटल मैंने 2 चम्मच डाला। और 1/2 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा डालना है। ये नहीं है तो आप इनो फ्रूट सॉल्ट डालिए। 1 चम्मच डालना है, 1 टीस्पून। अब हम बैटर को बहुत फटाफट मिलाएंगे और इसको झाग भी हम इसी में निकाल लेंगे। अब आप केक टिन में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको एकदम लास्ट में करना है, जब हमें कढ़ाई में रखना है तब। अब आप इसको कढ़ाई में रख दीजिए और कढ़ाई को हमें 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे। मीडियम फ्लेम में रखना है। 20 मिनट बाद देखिए हम चेक कर रहे हैं, तो आप एक कोई भी चाकू ले लीजिए, उसको अंदर डाल के देखिए। अगर वो एकदम क्लीन निकल रही है तो मतलब हमारा हो गया है, नहीं तो आप 2 से 3 मिनट और रख दीजिए। अब ढोकला हमारा हो गया है, इसको ढककर हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम केक टिन से निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया फ्लफी लग रहा है ना, इसको कुछ इस तरह से निकालना है। वाओ, देखिए कितना बढ़िया जालीदार बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन गया है ये। देखिए कितना बढ़िया जालीदार बन गया है। अब हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। वही तरीका होता है इसको काटने का। देखिए कितना स्पंजी लग रहा है, काटने से ही समझ में आ रहा है। अब इसको मैं एक आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया जालीदार बना है और कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, वाओ। पर हमें इसको ऐसे नहीं खाना है, इसको खाने का एक तरीका होता है। उसके लिए मुझे पहले तड़का बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिर अब तड़का बनाने का देखते हैं। इसकी आप जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उसको भी नोट कर लीजिए। तड़का हमेशा हमें लास्ट में डालना होता है, जब वो ठंडा हो जाता है। तो अब हम 1 कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून राई डाल देंगे या सरसों आप डाल दीजिए। इसको हम अच्छे से कड़कने देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ले लिया है, इसको आधे टुकड़ों में काट दिया है लंबा लंबा, और 6 से 7 करी पत्ता लिया है। प्लेट्स इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेल छिड़कता है। इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छे से पकने देंगे।
उसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे, सफ़ेद तिल, ये एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है। थोड़ा सा एक मिनट इसको भी पका लेंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। पानी डालना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपको ये पूरा पानी यूज़ करना है। इसमें 2 चम्मच आप शुगर डाल दीजिए, 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है, आपकी मर्ज़ी आप जितना डालिए, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 नींबू का जूस डालेंगे, ये 1 नींबू का जूस डाल दीजिए। नींबू ज़रूरी होता है, ये शुगर को क्रिस्टलाइज नहीं होने देता है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। बस इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा तो आपको इसको ठंडा होने देना है, गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद ही, ध्यान रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ही हम इसको ढोकला पे डालते हैं, नहीं तो ये बहुत सॉगी हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिए अब इस तरह से सजा लीजिए, पूरा तड़का ऐसे डाल दीजिए, और तड़के को ध्यान रखना है कि हमेशा आधे घंटे छोड़ देना है ये डालकर, जिससे वो पूरा रस सोख ले। इसको मैंने हरी धनिया और कच्चा नारियल घिस के डाल दिया है, इससे सजा दिया है, और मस्त आपका ढोकला तैयार हो गया है। तो बढ़िया, आप खाइए, अपने घर को, फ्रेंड्स को खिलाइए, और वाह ही लूटिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।